हाय गाइस, दिस इज सृष्टि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम लोग कुछ आर्ट और क्राफ्ट का कुछ नहीं करने वाले। सो आई हैव ओवर हियर लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आई वांटेड टू डू इन 2022। तो आज हम लोग देखेंगे कि उसमें से कौन सी चीज़ें मैंने एक्चुअली कम्प्लीट की, कौन सी कम्प्लीट नहीं की या फिर डिफरेंटली कम्प्लीट की। ओके, सो माई पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ वी ऑल शुड मेक रेजोल्यूशन। ये हमारे प्लान्स वैसे के वैसे तो कभी कम्प्लीट नहीं होंगे, लेकिन आई एम श्योर इन मोस्ट ऑफ द केसेस उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर होगा। एंड इट इज़ रियली फन टू लुक बैक कि हमने क्या प्लान किया था और एक्चुअली लाइफ में क्या हुआ। सो लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो नाउ। आई होप आई डोंट गेट टू डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यार जैन के बाद तो मैं खुद ही भूल गई थी कि मैंने कुछ रेजोल्यूशन किया था। तो लेट्स सी, फर्स्ट रेजोल्यूशन वॉज प्रिटी एम्बिशियस, दैट इज़ राइट डेली। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग जर्नल्स डेली, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट डू इट। बट मैं क्या करती थी कि जब भी मतलब कुछ बहुत अच्छा होता था या फिर जब भी कुछ बहुत बुरा होता था तो उसके बारे में लिख लेती थी। सो इससे क्या होता है ना कि जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता था ना, मैं जर्नल में मेरे डायरी में लिख लेती थी कि इंसिडेंट्स क्या हुआ, मुझे क्यों गुस्सा आया, ये सब। और बिलीव इट और नॉट, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता था। किसी के फीलिंग्स हर्ट नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। सो या, दिस इज़ अ रियली गुड हैबिट। देन द नेक्स्ट थिंग वॉज ड्रॉ वीकली। दिस गॉट कम्प्लीटेड इन स्लाइटली डिफरेंट वे आई वुड से, बिकॉज ड्रॉइंग आई डिडंट ड्रॉ डेली, बट आई मेड सॉरी वीकली, बट आई मेड फ्यू थिंग्स, मेड क्राफ्ट और सम थिंग्स वीकली। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया एंड इट वर्कड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई डिडंट इवन प्लान यूट्यूब, और वो भी मैंने ग्रो करने के यू नो इंटेंशन से मैंने प्लान नहीं किया था। मैंने तो ऐसे ही मतलब जस्ट आई वॉन्टेड टू वर्क पुट माई वर्क आउट, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। एंड लकीली इट इज़ डूइंग वेल। थैंक यू टू यू गाइज, बिकॉज आपने बहुत सपोर्ट किया, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड माई नेक्स्ट रेजोल्यूशन वॉज लूज 3 kgs। सो इतना एम्बिशियस मैंने कुछ रखा नहीं था, 3 kgs, तो आई थिंक वो तो हो गया, सो थैंकफुल फॉर दैट। एंड देन द नेक्स्ट रेजोल्यूशन वॉज गो ऑन अ सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप तो नहीं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ एक गोवा ट्रिप हो गई। सो आई थिंक दिस इज़ लाइक पार्शली कम्प्लीटेड एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो या, एंड देन द नेक्स्ट वन वॉज गो ऑन सोलो डेट्स। बाई सोलो डेट्स आई मीन देयर लंच और डिनर के लिए अकेले जाना। सो आई वेंट आई थिंक कपल ऑफ टाइम्स। सो या, पार्शली कम्प्लीटेड। द नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज अबाउट स्विचिंग माई जॉब। सो या, दैट आई डिड एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट। सो ये, एंड द नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज रियली गुड, बट सैडली आई डिडंट कम्प्लीट इट, बट इट इज़ अ रियली गुड रेजोल्यूशन। आई विल ट्राई टू कम्प्लीट इट दिस ईयर। सो इट इज़ डू एटलीस्ट 50 न्यू थिंग्स, दैट इज़ वन फॉर ईच वीक, 51 weeks, बट ठीक है, 50 मैंने न्यू थिंग्स। आई हैव ट्राइड न्यू क्विजिंस, आई हैव ट्राइड न्यू थिंग्स लाइक यूट्यूब, बट 50 न्यू थिंग्स आई डिडंट ट्राई। But I'm really grateful for the new things that I have tried and I'm really happy about them. So I'm going to continue this resolution in the upcoming year also. And then the next resolution is also really good and I'm going to continue this resolution in upcoming year also. So ye hai ki celebrate all small or big days, small achievement, like celebrating smaller achievements. Let's say kuch bhi choti si cheez ho gayi, chota sa celebration, aisa nahi ki bada celebration karna hai, but जस्ट टू रिमेंबर दैट माइलस्टोन बाय। तो कुछ तो सो ये मैंने कभी कभी किया है, कभी कभी नहीं किया है, बट दिस आई एम गोइंग टू फॉर श्योर डू अपकमिंग ईयर। सो या, दैट वॉज लाइक द लिस्ट ऑफ ऑल माई रेजोल्यूशंस, दैट्स इट। एंड या, आई थिंक दिस वॉज अ रियली नाइस रीकैप ऑफ 2022 एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।